ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड. सबसे स्पेशल दिन हमारी लाइफ का ये होता है नायका बर्थडे. एवरी डे आई फील वेरी ब्लेस्ड, लेकिन इस दिन तो मतलब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी नेमत मुझे मिली. तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक क्विक लुक कि हमने किस तरीके से ये रूम डेकोरेट किया है नायक के बर्थडे केक कटिंग के लिए. Going to the market. Naya went to the market. Naya is running. I am running. It. हमने कुछ डेकोरेशन का सामान अमेज़न से मंगवाया, जो आप भी अगर बर्थडे में प्लान कर रहे हैं कुछ ख़रीदने का तो आप चेकआउट कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा सा ये बैकग्राउंड में आपको जो दिख रहा है, हैप्पी बर्थडे का बैनर है, बलून्स हैं काफ़ी सारे, ये हमने मंगाए हैं. और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने DIY की थी नायक के फर्स्ट बर्थडे में. एक बैनर बनाया था मैंने हैप्पी बर्थडे का मिकी माउस स्टाइल, ये वाला ये मैंने लगाया फिर से इस बर्थडे में. फिर से सेकंड बर्थडे में तो हम दिल्ली में थे, उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था. अगर आप नहीं देखा, देखना चाह रहे हो तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं. तो बस यही छोटा सा डेकोरेशन हमने किया. फोटोग्राफ्स के साथ डेकोरेट करने का आइडिया अमीन का था, मेरे हस्बैंड का. हाँ बेबी. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे गर्ल को. हाँ शी इज़ वियरिंग हर्सेल्फ. बना चलो मम्मा बना देती बेबी को है मैं. सो ब्यूटीफुल. ये थोड़ा अजीब तरीके से आजकल बोल रही है, पता नहीं क्यों. कोई आई थिंक कार्टून कैरेक्टर इसको ज्यादा पसंद आ गया शायद, उसकी नकल कर रही है. देखो देखो Inaya, what is this decoration all about? Is it your birthday? Decorating birthday cake, chocolate cake. Chocolate cake? Yes. And a balloon. I want a balloon. What? I want a balloon.
सुबह जब इनाया सो रही थी तब मैं और अमीन हमने सुबह ये सारा डेकोरेशन किया एंड यूजुअल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था हमारा, मैंने उसके लिए डोसा बनाया था, लंच में मैंने बनाया बिरयानी, बिरयानी थोड़ा ज़्यादा सा बना दिया ताकि दो टाइम चल जाए, बार बार बनाना नहीं पड़े। एंड इनाया को बिरयानी काफ़ी पसंद भी है, इसलिए भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या चीज़ें बनाऊँ जो उससे पसंद हो, तो फिर मुझे लगा बिरयानी वो शौक़ से खाती है तो उसके लिए बिरयानी बना दूँगी एंड ऑफकोर्स बर्थडे केक। तो पहले मैं आपको बिरयानी जो मैंने बनाई थी उसकी क्विक सी रेसिपी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ केक बनाने। केक की रेसिपी आपको सेपरेटली मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं अपकमिंग वीडियो में। तो गाइज मैं बहुत ही इजी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ मटन बिरयानी की, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर टूटा बासमती राइस, इंडिया गेट का मेरे पास है, आप कोई सा भी बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस भी ले सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक या हैवी नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि नायक के लिए स्पेशली बना रही हूँ, इसलिए मैं ये वाला राइस ले रही हूँ। इसे धोकर मैं आधे घंटे के लिए सोक कर दूँगी। तो मैं हाफ के जी मटन के लिए यहाँ पर हाफ के जी राइस ले रही हूँ, आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम ना ले। और मैंने यहाँ पर मटन जो है हाफ के जी मैरिनेट कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट में, तो 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैरिनेट किया। एंड यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक जो है यहाँ पर कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में। इसका मैं बिरयानी तैयार करूँगी जो मेन की इन्ग्रीडियंट होता है एक अच्छी बिरयानी के लिए, बिरयानी यानी कि फ्राइड ऑनियंस जो होती हैं गोल्डन फ्राइड। तो यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ जिसमें मैं मटन को कुक करूँगी, उसी में मैं बिरयानी को फ्राई करने जा रही हूँ, आप किसी कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे से ऑयल ले रही हूँ, रिफाइन ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ही लें ताकि प्याज अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए और उसी तेल में हम बाद में मटन को भी पकाएंगे। तो ऑनियन मैंने यहाँ पर डाल दी है, अब इसे धीमी आंच पर थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद फिर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में हमारी प्याज जो है वो कुक हो चुकी है, बीच बीच में आप इसे चलाते ज़रूर से रहें। अब मैं इसका फ्लेम तेज़ कर दूँगी, तेज़ आंच पे लगातार चलाते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। तो जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही थी हमने यहाँ पानी भी चढ़ा दिया चावल को कुक करने के लिए, तो पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में ज़्यादा सा ले लें आप, जिस भी बर्तन में आप चढ़ा रहे हैं उसे बॉईल होने दें। और इसमें कुछ गरम मसाले आपको खड़े डाल देने हैं, तो मैं यहाँ पर अंदाज से ले रही हूँ कुछ 3-4 मैंने लौंग ली हैं, एक बड़ी इलायची ली है, 3-4 छोटी इलायची और कुछ ब्लैक पेपर लिए मैंने यहाँ। तो इन सभी गरम मसालों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी में जो पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया है। इसके बाद ग्रीन चिलीज़ मैं यहाँ पर स्लिट करके डाल रही हूँ, 2-3 से 4 भी आप डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एंड यहाँ पर तेज पत्ता मैं तोड़कर डाल रही हूँ, 2 बड़े तेज पत्ते मैंने ले लिए थे। इन सभी गरम मसालों को बहुत ही अच्छा सा खुशबू और फ्लेवर आएगा राइस के अंदर। और मैं नमक डाल दे रही हूँ, तो नमक 3 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ, आप ज़्यादा ही डालें क्योंकि ये पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा जब चावल इसमें कुक होगा, चावल तो पूरी तरह हमें कुक नहीं करना होता है, इसमें थोड़ा सा कसर रहे तभी हमें पानी ड्रेन कर देना होता है। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो ब्राउन, हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसे लगातार चलाते रहें इस वक्त। तो कुछ ही देर में हमारी प्याज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हल्का क्रिस्पीनेस भी इसमें आ गया है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि इस टाइम अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे तेज़ आंच पे तो ये जल सकती है, फिर पूरा टेस्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से जो तेल है वो एक्सेस तेल निकाल के इस तरीके से दबाते हुए हम इसे एक प्लेट पर निकाल देंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑनियंस को स्प्रेड कर दिया है इस तरीके से ताकि आपस में चिपके नहीं। और अब प्रेशर कुकर को मैंने वापस से ऑन कर लिया है क्योंकि इसी तेल में ये जो बिरयानी वाला जिसमें खुशबू आ गई है उसी तेल में हम मटन को छौंक लगाएंगे। तो मटन यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ, मटन डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला दें और इसे आप मीडियम आंच पे थोड़ा सा 1-2 मिनट पकने दें। अभी यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज़ का मैं पेस्ट बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल कोर्सली पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करूँगी मैं इसे। तो यहाँ पर 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं मैंने और कुछ छोटी इलायची ली हैं, कुछ ब्लैक पेपर भी ले लिए हैं, इन्हें मैं कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से अपनी ग्रीन चिलीज़ एंड दूसरे मसालों को। तो अब इसको मैं मटन में डाल दूंगी, इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और सौंधापन आ जाएगा हमारे मटन में। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ा तेज़ आंच पे 2 मिनट पकने दूंगी, उसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, बहुत तेज़ ये लाल मिर्च मेरे पास है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है और उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, आप उसे 1 टेबलस्पून तक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं हल्दी भी डाल रही हूँ, तो 1 टीस्पून हल्दी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तीखा या नमक जो है वो यूज़ किया करें। तो यहाँ पर मैं नमक भी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पर बिरयानी मसाला मैंने लिया है, तो एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला मेरे पास था, तो उसी को
यूज़ कर रही हूँ अभी लॉकडाउन में, मुझे यही मिला। ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद तो नहीं है, हालांकि एवरेज के बाकी मसाले अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक है, इससे काम चल जाएगा। MDH का बिरयानी मसाला भी अच्छा होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या घर का बना हुआ हो मसाला आपके पास तो वो यूज़ कर ले। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को मैं मिक्स करके 2 मिनट तक और पकने दूंगी तेज़ आंच पे। तो 2 मिनट बाद मैं इस पर डाल रही हूँ टोमेटोज़। तो यहाँ पर चॉप किए मैंने 2 टोमेटोज़। टोमेटो स्किप कर सकते हैं अगर आपको बिरयानी में उसका फ्लेवर नहीं पसंद है, लेकिन मुझे, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत अच्छा सा एक टैंगी फ्लेवर आ जाता है। तो इसे मैं 1 मिनट बस कुक होने दूंगी, 1 मिनट में ये गल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोमेटो अच्छे से कुक हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। फ्लेम को आप बिल्कुल धीमा आप कर लें, और रूम टेम्परेचर में मैंने 1 कप दही यहाँ पर रखी थी, जिसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है, मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे मटन में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो दही डालने के बाद भी आप थोड़ी देर तक, 3-4 मिनट तक इसे थोड़ा कुक होने दें धीमी आंच पे या मीडियम आंच पर। उसके बाद मैं इसमें बारीक कटी धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, ये मटन का अपना पानी है और बाकी जो चीज़ें जैसे दही वगैरह, उस टोमेटो उसका ही पानी है। लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल सकते हैं, और इसे हम प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि मटन कुक नहीं हो जाए अच्छे से, यानी कि 2 विसल लगाएंगे हम इसमें। तो यहाँ पर जो पानी में मैंने राइस सोक किया था, अब इसका पानी हटा दूंगी। अब पानी हटा दिया मैंने, अब इससे मैं जो बॉईल हो चुका है हमारा पानी विद गरम मसाला, उसमें डाल दे रही हूँ कुक होने के लिए। तो इसे तेज़ आंच पे आपको कुक करना है, एंड आपको जो है 1/4 होने तक कुक करना है, यानी कि 1/4 ही कुक हो, थोड़ा कच्चापन रहे तभी आपको पानी ड्रेन कर देना है। इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है कुक होने में, बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी राइस थोड़ी और कसर है कुक होने में, आप दबा के चाहें तो चेक कर सकते हैं राइस निकाल। तो थोड़ी देर में हमारी राइस जो है लग रहा है रेडी हो गई है, मैं आपको क्लोजली दिखा रही हूँ। आप इसे दबा के आप उंगलियों से देख सकते हैं कि ये 1/4 कुक हो गई है, थोड़ा सा कच्चापन है लेकिन हल्की सी पक भी गई है। तब आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ड्रेन कर दे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्रेन कर दिया है, सारा पानी हटा दिया है, और ये हमारी राइस बिल्कुल रेडी। और इसे आप चाहे तो एक थाल में फैला के रख सकते हैं अगर स्टिक हो रहे हैं आपके राइस, या फिर आप इसे ढक के रख दें, हल्का सा ढक्कन खुला भी रख सकते हैं ताकि आपस में चिपके नहीं चावल। अब यहाँ पर मैं लेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ दम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक एक बड़ी कढ़ाई ली है जो मेरे पास है। आप कोई सा भी बिरयानी का पॉट ले सकते हैं या कोई बड़ा बर्तन थिक बॉटम वाला ले सकते हैं। तो उसमें आधी राइस मैंने यहाँ पर इस पर स्प्रेड कर दी, उसके ऊपर मैं मटन को इस तरीके से लेयर कर रही हूँ अलॉन्ग विद अ ग्रेवी। ग्रेवी अगर आपकी बहुत ज़्यादा ढीली है तो आप थोड़ा सा थिक कर लें उसको, उसके बाद डालें। इसके बाद मैं फ्राइड ऑनियन को यहाँ पर स्प्रेड कर दे रही हूँ मटन के ऊपर। तो फ्राइड ऑनियन के स्प्रेड के बाद मैं इसमें बाकी का जो चावल है वो स्प्रेड कर दे रही हूँ। यहाँ पर चावल मैंने स्प्रेड कर दिए हैं, अब मैं लास्ट में फिर से ऑनियन की लेयर एक डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड कर दे रही हूँ। आप पुदीना आपके पास है तो ज़रूर से इसमें स्प्रेड में डालें लेयरिंग में दम करने में, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देसी घी डाल सकते हैं। जो मटन की ग्रेवी है उसे भी मैं यहाँ पर ऊपर इस तरीके से डाल दे रही हूँ। अब इसको मैं दम करूंगी, जिसके लिए मैंने एक तवे पर इसे रखा है, धीमी आंच पर इसको ढक्कन लगा के आपको दम करना है 20 मिनट के लिए मैं इसे रखूंगी। तो 20 मिनट दम करने के बाद मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी होगी। मैंने इसे मिक्स कर दिया है ताकि सारे मसाले वगैरह अच्छे से जज्ब हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही यम्मी बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से बन चुकी है। मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाला था लास्ट में बिल्कुल दम करने के लिए, 1 चम्मच करीब। Happy birthday to you, happy birthday.
यू आ आ थैंक यू नाया आ मम्मा मम्मा शेयर थैंक यू बेबी चलती रहेगी यहाँ पर। और इनाया को मैं ये क्राउन पहनाना भूल गई थी केक कटिंग के टाइम, बट मैंने अभी पहना दिया, आप देख सकते हैं। इनाया कैन यू शो योर क्राउन, प्रिंसेस क्राउन? हाय हाय एवरीवन, शो योर क्राउन। इट्स इनायास प्रिंसेस क्राउन। Okay guys, see you soon with another video of mine. Bye bye. Yora say bye bye to everyone. Naya is digging the cake. Say bye bye everyone. Bye bye. Bye bye everyone. Thank you everyone.